तो गाइज मेरठ से जम्मू की ट्रेन पकड़कर और पूरी रात का सफर तय करके हम पहुंच चुके थे जम्मू स्टेशन पर। क्योंकि ट्रेन 5 से 6 घंटे लेट थी तो हमें हो जाती है दोपहर और हमें लगती है काफी तेज भूख, तो स्टेशन पर ही था यात्रियों के लिए एक शुद्ध भोजनालय। तो दोपहर का लंच करके हम निकलते हैं स्टेशन से थोड़ी दूर पर स्थित बस स्टैंड की तरफ। थोड़ी देर बाद हमें श्रीनगर की बस मिल जाती है, क्योंकि श्रीनगर यहाँ से 250 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से एसी और नॉन एसी दोनों ही तरह की बस श्रीनगर तक जाती है। तो हमें मिली थी नॉन एसी जिसका फेयर था 550 रुपए। जम्मू से श्रीनगर का रास्ता थोड़ा खतरनाक है, लेकिन रास्ते के नज़ारे शानदार हैं। बस यात्रा थोड़ी लंबी थी तो रात हो गई थी जब हम श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर पहुंचकर हमने यहाँ रुकने के लिए कमरे की तलाश शुरू करी। थोड़ी देर बाद डल गेट के पास हमें एक अच्छा सा कमरा मिल गया। गर्मियों के सीजन में यहाँ पर आपको अपना अच्छा खासा बजट बनाकर आना होगा, क्योंकि सीजन में यहाँ पर काफी टूरिस्ट आते हैं, तो सभी चीजों के रेट आपको यहाँ पर ज्यादा मिलने वाले हैं। होटल का कमरा साफ सुथरा और आरामदायक था, तो हमने थोड़ी देर किया आराम। रात का खाना खाने के बाद हमें आ जाती है नींद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानसिक यात्रा। और आज का जो व्लॉग है मैं शुरू कर रहा हूँ धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर से। तो हम रात को यहाँ पर आ गए थे, रात को रुके थे रूम के अंदर। ये रूम हमने लिया था, ये यहाँ पर इसका बाथरूम वगैरह है, ये बेड है, थोड़ा सा ऐसे ही हो रखा है, सामान इधर उधर फैला हुआ है। तो रात काफ़ी लेट हो गए थे आने में, तो रात व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। और अब सुबह नहा धोकर रेडी हो गए हैं, आज घूमने वाले हैं श्रीनगर। और श्रीनगर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए जो यहाँ की फेमस हैं, जैसे डल झील हो गया, मुगल गार्डन हो गया, वहाँ पर आज हम जाने वाले हैं, आपको भी दिखाएंगे, तो बने रहे व्लॉग में। और मेरे साथ है कमल भाई। हाय गाइस, रात का और कल का सफर बहुत अच्छा रहा है और आपको आज अच्छे अच्छे व्यू दिखाने वाले हैं, नई नई एक्टिविटी दिखाने वाले हैं। और मौसम जो है काफी अच्छा है, यहाँ पर गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। तो बस थोड़ी देर में नाश्ता करके हम निकलते हैं यहाँ से और आपको भी हम दिखाते हैं, आज घुमाते हैं कश्मीर। ये आसिफ भाई हैं और यहाँ पे इनका रूम था जो हमने लिया था, और ये रूम के बाहर ही इतना अच्छा गार्डन बनाया हुआ है। एक एप्पल होता है, एक एप्पल क्वींस होता है, इसको एक जैम बनता है स्पेशली जी, और इसको खाने के लिए अच्छा। तो गाइस मैंने पहली बार देखा है एप्पल का ट्री, ये देखो छोटे छोटे है ना अभी। गाइस देखिए छोटे छोटे से सेब जो है अभी लगने स्टार्ट हो गए इसमें। स्पेशली इसको जैम बनता है जी, और दूसरा ये खाने में बना सकते हैं, दही के ऊपर इसका डिश बनता है। सबसे पहले हम बस पकड़कर पहुंचते हैं श्रीनगर के फेमस घंटाघर पर, जहाँ से हम बुक करते हैं ऑटो श्रीनगर घूमने के लिए। यहाँ पर आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, नहीं तो आपको काफी सारे पैसे देने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं परी महल। दोस्तों आ गए हैं परी महल, तो यहाँ से लेनी होगी टिकट। तो गाइस आ गए हैं परी महल, श्रीनगर की फेमस जगहों में से एक। ये महल शाहजहां के शासनकाल के समय का है, जहां पर 7 सीढ़ीदार गार्डन है जो जबरवान पर्वत श्रृंखला की शीर्ष पर स्थित है। यहां पर काफी हरा भरा गार्डन है और यहां से आप सुंदर व्यू का आनंद भी ले सकते हैं। तो गाइस अब जा रहे हैं दूसरी डेस्टिनेशन पर, चश्मे शाही, जो कि पड़ता है यहीं से ही थोड़ा सा आगे। ये है मुगल गार्डन चश्मे शाही, काफी अच्छा गार्डन है ये। और अब यहाँ से लेते हैं टिकट। तो इस तरह से टिकट यहाँ पर मिलता है और उसको ऐसे पार के आपको ऊपर जाने देते हैं।
ये गार्डन मुगल वास्तुकला को प्रस्तुत करता है और ये गार्डन रूपा भवानी द्वारा खोजे गए मीठे पानी के झरने के आसपास बनाया गया है। यहाँ की पहाड़ी जमीन और ढलान की वजह से इस गार्डन का निर्माण हुआ। इस खूबसूरत बगीचे का मेन फोकस ये मीठे पानी का झरना ही है। काफी देर यहाँ पर घूमने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं अपने अगले पॉइंट मुगल गार्डन की तरफ, जिसको निशांत बाग भी बोलते हैं। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले हम लेते हैं टिकट। लाइन काफी लंबी थी। टिकट का जो प्राइस था वो अडल्ट के लिए 48 रुपीज का था। तो टिकट लेने के बाद हम जाते हैं गार्डन के अंदर। तो गाइज अब हैं हम कश्मीर श्रीनगर के सबसे फेमस और सबसे बड़े गार्डन में, जिसका नाम है मुगल गार्डन। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कितना बड़ा है और कितने एरिया में फैला हुआ है। और इसके सामने आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर डल लेक। जैसा कि गर्मियों का सीज़न है और जून का महीना है, तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है दिन में। रात को और सुबह के समय पर आप अगर आएँ यहाँ पर तो आपको मौसम बहुत अच्छा मिलेगा और थोड़ी सी सर्दी भी आपको लगेगी, पर इस टाइम तो आपको यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है, 30 प्लस के करीब टेम्परेचर है यहाँ पर। श्रीनगर में डल झील के पूर्व में स्थित सीढ़ी नुमा बना ये सुंदर और कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा मुगल बाग है। ये बाग जबरवान पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। इस बाग का डिजाइन और निर्माण 1633 में नूरजहां के बड़े बेटे आसिफ खान ने कराया था। इस बाग में घूमने के बाद हम पहुंचते हैं श्रीनगर की फेमस शिकारा राइड करने के लिए। कहते हैं कि अगर यहाँ आने के बाद आप शिकारा राइड नहीं करते हैं तो आपकी जर्नी अधूरी सी रहती है। तो हमने किए शिकारा की टिकट बुक और लेते हैं इस खूबसूरत राइड का मजा। शिकारा में बैठे ना जी, रोटे हैं, झूठ बोल रहे। पूरा नंबर है यहाँ पर गेट नंबर 17 सुलेमान घाट। इस राइड को आप 400 से 500 रुपए में बुक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर भी बार्गेनिंग करनी होगी। इस पूरी राइड में आपको 40 से 50 मिनट लगेंगे। इस राइड में आप फ्लोटिंग मार्केट, फ्लोटिंग गार्डन, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और फ्लोटिंग हाउस देख सकते हैं। आप इन हाउस बोट में भी रुक सकते हैं, जिसका एक दिन का रुकने का जो चार्ज होता है वो 1500 से 2000 रुपए होता है। ये हाउस बोट काफी लग्जरी होते हैं। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। इसके बाद शिकारा राइड करते करते आप कश्मीर की फेमस चाय कहवा भी पी सकते हैं। कश्मीरी कहवा। अच्छा, क्या कैसे बनता है? कश्मीरी कहवा, कहवा ये बिना दूध के बगैर बनता है। केसर वेसर डालते हैं। अच्छा, अच्छा। और ड्राई फ्रूट वाई फ्रूट कहवा मसाला डालते हैं। कितने का होगा? 150 रुपीस। 150। यहाँ आकर इस बेहद शानदार राइड का अनुभव आपको जरूर करना चाहिए। इस राइड को करने के बाद हो जाती है थोड़ी थोड़ी शाम, तो हम निकलते हैं श्रीनगर की फेमस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए।
श्रीनगर के मार्केट में घूमते घूमते हम पहुंच जाते हैं यहाँ के लाल चौक और वहाँ पर स्थित घंटाघर, जहाँ का सुंदर नज़ारा शाम को एंजॉय कर सकते हैं। शाम होने के बाद लाइट का नज़ारा यहाँ पर काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है। काफ़ी देर हमने यहाँ पर वक्त बिताया। तो गाइज़ ये था हमारा कश्मीर के श्रीनगर में पहला दिन और मैंने आपको दिखाई श्रीनगर की 5 फेमस जगह। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारी और भी जगह हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, लेकिन जिसके लिए आपको यहाँ पर 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना बिल्कुल ना जाएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने घूमने फिरने वाले दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक नए सफ़र में, तब तक के लिए धन्यवाद।